स्पोर्ट्स हमारी लाइफ का एक अहम हिस्सा है और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी रखते हैं। जहाँ एक तरफ इस समय सरकार खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है, वहीं अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और युवा जो हैं वो खेलों की तरफ आकर्षित होते हुए भी नज़र आते हैं। इस समय हम मौजूद हैं एमए स्टेडियम के बास्केटबॉल कोर्ट में और कोर्ट के अंदर आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से यहाँ पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करवाई जाती है और कितने उत्साह से यहाँ पर बच्चे और युवा जो है इस स्पोर्ट में भागीदारी दिखा रहे हैं। कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं जो यहाँ पर काफी समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगी। विश्वजीत सिंह। विश्वजीत सिंह कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 5 ईयर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी साई में हमें 2 साल हो गए। अभी यहाँ पर आपको 2 साल हो गए, तो क्या आपकी अचीवमेंट्स रही हैं, कहाँ तक अभी तक खेले हैं? मैम, हमने अभी नेशनल खेला है। मैं 2 जूनियर नेशनल 1 सीनियर नेशनल यहाँ से खेला हूँ, जम्मू से। ऐसे आप अभी कौन सी क्लास में हैं, क्या करते हैं? मैं अभी 11th में हूँ। अभी आप 11th में हैं। जैसे अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स से दूर भागते हैं और जो है स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उन्हें क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? मैम, अभी जैसे यहाँ पे हमें ये होता है कि ग्राउंड है, हम गांव के बच्चे यहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि स्पोर्ट्स में क्या है, कैसे, मतलब जॉब वगैरह भी हैं। हम स्पोर्ट्स के बारे में भी गांव के बच्चों को नहीं पता, इसलिए उन्हें अभी स्पोर्ट उतना वो नहीं हो रहा। यानी कि एक प्रॉपर अवेयरनेस जो है उन बच्चों को देनी चाहिए। जी, आपका नाम जानना? अनिकेत जी। अनिकेत कहाँ से हैं? मैम, अखनूर जोड़िया से। अखनूर से हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कॉलेज सेकंड सेम। सेकंड सेम में पढ़ते हैं। कब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 8 to 9 ईयर्स हो गए हैं। 8 to 9 ईयर्स हो गए। कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? मैम, 3 घंटे सुबह 3 शाम। 3 घंटे सुबह 3 घंटे शाम। और अभी नेशनल खेल कर आए हैं। यस मैम। कैसा लग रहा है? अच्छा मैम। क्या सोचा है कि स्पोर्ट्स में आगे और अचीवमेंट्स लेनी है? यस मैम, इसीलिए नेशनल के लिए सोचा है मैम, वो खेलना और आगे मैम जॉब इसी से लेनी है। उसको लेके कितनी मेहनत कर रहे हैं? मेहनत सुबह शाम कोच कराते हैं, ट्रेनिंग सेंटर आई है उसके अंडर ट्रेनिंग करते हैं हम सुबह शाम रेगुलर में। चलिए, कुछ और प्लेयर्स भी यहाँ पर हैं और यहाँ पर आपको दिखाऊं, जैसे कि लड़कियाँ लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं और यहाँ पर बास्केटबॉल कोर्ट में ये लड़कियाँ जो हैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत ही डेडिकेशन से ये प्रैक्टिस यहाँ पर इस समय कर रही हैं। और इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि ये कब से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रही हैं। सबसे पहले आपका नाम? तेजस्विनी खजूरिया। तेजस्विनी कहाँ से हैं? मैं जम्मू से ही हूँ। जम्मू से ही हैं। और कितनी देर से प्रैक्टिस कर रही हैं? मुझे अप्रॉक्स 5-6 साल हो गया। 5-6 साल हो गए। और ऐसे आप क्या करती हैं, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? आई मीन BSc मेडिकल और अपना यही कॉलेज और ग्राउंड ही। अच्छा, कॉलेज और ग्राउंड। जैसे क्या अचीवमेंट्स इसमें आपकी रही हैं इस गेम में? मेरा बैक टू बैक 4 नेशनल्स लग चुके हैं और मैं फ़िलहाल क्लस्टर यूनिवर्सिटी रूल कर रही हूँ। मतलब फॉर द फर्स्ट टाइम एक लड़की को 4 कॉलेजेस का कैप्टन चूज़ किया हुआ। 4 कॉलेजेस की कैप्टन है आप, यानी कि आप पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ती होगी। बिल्कुल, और दूसरों को भी करानी पड़ती है। मतलब हमें तो दूसरों को मोटिवेट करना पड़ता है, खुद को तो मोटिवेट करते ही हैं, दूसरों को भी करना पड़ता है कि आप भी आओ, यू शुड ट्राई, यू शुड गिव इट अ चांस। यही आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे अभी मैंने पहले भी एक सवाल किया एक बच्चे से और यही कहा कि बहुत सारे अभी जो युवा हैं वो खेलों की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और ख़ासतौर से अगर बात करें बींग अ गर्ल आप ये स्पोर्ट प्रैक्टिस कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो चाहती तो हैं कि वो इन खेलों में आगे बढ़े, लेकिन किसी ना किसी रीज़न से फिर वो सोचती हैं कि यार चलो छोड़ो नहीं करना, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही बात बोलूँगी कि अगर कोई एक लड़की ग्राउंड में आ रही है ना, तो उसको अपने आसपास एटलीस्ट 4 लड़कियाँ या 5 लड़कियाँ जिनको वो बोलें कि आप भी ट्राई करो। बिकॉज़ मैंने देखा है बहुत सारी लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ डिमोटिवेटेड तो हैं ही हैं, प्लस डिप्रेशन बहुत बहुत कॉमन हो गया सब में, बिकॉज़ उनके पास ना एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उनको संभाले, जो उनको ऑन रखे कि बस पढ़ाई तो है ही है, और मे बी शायद पढ़ाई का ही बर्डन और भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं लड़कियों के ऊपर, तो उस वजह से उनको ना एक नहीं मिल पाता है कि हम भी कुछ नया करें। बट जो लड़कियां निकल रही हैं उनको अपने साथ साथ दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि आइए आप भी आइए। आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम आरुषि शर्मा है। आरुषि कब से प्रैक्टिस कर रही हैं और कितनी देर प्रैक्टिस करती हैं? इट्स अबाउट 6 to 7 ईयर्स मुझे प्रैक्टिस करते हुए हो गया, एंड 3 आवर्स मॉर्निंग एंड 3.5 आवर्स इन द इवनिंग। सेम
वही क्वेश्चन आपसे भी पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ गर्ल आप ये स्पोर्ट प्रैक्टिस कर रही हैं, कुछ मुश्किल लग रहा है या वैसे ही इजीली प्रैक्टिस कर पा रही हैं? नहीं, इजी तो कुछ नहीं होता आजकल, बट इट्स जस्ट अबाउट योर डेडिकेशन, योर हार्ड वर्क एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर स्मार्ट वर्क. मेरे पास आई एम सो ग्लैड, आई एम सो लकी दैट आई हैव ऑल द फैसिलिटीज अराउंड मी. मेरे पास एक बहुत अच्छे कोच है जो हमें सिखाते हैं, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, तो इसके कारण कि हम ग्रो कर पा रहे हैं, हमें फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिली है. कितनी पैशनेट हैं इस गेम को लेकर? अरे इसका तो मतलब इट्स वी कैन से कि ये जान है आपकी, वो तो आपकी आपके फेस की जो स्माइल है उससे ऐसा ही लग रहा है. एग्जैक्टली, अभी आई एम सफरिंग फ्रॉम लिगामेंट इंजरी, सो बट स्टिल या एग्जैक्टली घर पे बैठे ही नहीं जाते. इट्स लाइक नहीं, ग्राउंड आना है, ग्राउंड प्रैक्टिस करनी ही करनी है. एक मैसेज जो सभी लड़कियों को और सभी यूथ को देना चाहेंगे? इट्स मतलब मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि पढ़ाई इज इम्पॉर्टेंट, नो डाउट स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज आर उतना ही इम्पॉर्टेंट. अगर आप पढ़ाई करते साथ में आप एक्स्ट्रा करिकुलर में एक्टिविटीज़ करते स्पोर्ट्स करते हैं, आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी मेंटल एबिलिटी डेवलप होती है, साथ में फिजिकल एबिलिटी तो होती ही होती है. आपका नाम जानना चाहूँगी. इप्सिता. इप्सिता कहाँ से हैं? जम्मू से. कितनी देर से प्रैक्टिस कर रही है? एक साल हो गया. एक साल हो गया. अभी कौन सी क्लास में? नाइन्थ. नाइन्थ में है और एक साल से प्रैक्टिस कर रही है. कैसे सोचा कि इस स्पोर्ट को आगे प्रैक्टिस करना है? एक्चुअली मेरे स्कूल से स्टार्ट हुआ था ये सब. पहले मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं था स्पोर्ट्स वगैरह में. स्कूल में मैंने इंटरेस्ट शो किया एंड मेरे कोच ने मेरे को यहाँ पे लाया, यहाँ तक लाया, और अब मेरे को लगता है कि ये गेम काफ़ी आगे तक जाएगी और ये गेम काफ़ी अच्छी है और इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे. और आपकी और जो फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, वो भी यहाँ पर प्रैक्टिस के लिए आती हैं? जी. क्या एक मैसेज देना चाहेंगी उन गर्ल्स को जो अभी तक सोच रही हैं कि हमने कोई स्पोर्ट प्रैक्टिस करना है लेकिन वो घर से बाहर नहीं निकल रही, स्टेडियम तक नहीं पहुँच रही? मैं उनको बस ये कहना चाहूँगी कि जब तक आप लोग बाहर नहीं आओगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते. आपको घर से बाहर कदम रखना होगा तभी आप कुछ कर सकते हो, बस इतना ही. चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कोच हरजिंदर जी यहाँ पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे जानते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है, पिछले काफ़ी समय से आप ये स्पोर्ट बच्चों को सिखा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कितने बच्चे इस समय आपके पास हैं, किस तरह से बच्चों को सिखाया जा रहा है? ये बात है कि अभी मैं यहाँ पर कम से कम 2.25 साल पहले से यहाँ पर पोस्टेड हूँ. इससे पहले मैं इंदौर में था. मेरे को इसी नौकरी पे 36 साल हो गए हैं और मेरी रिटायरमेंट अभी सितंबर में है. जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है, स्पोर्ट्स का बहुत ही ज़्यादा अच्छा अभी आजकल जो ट्रेंड चला हुआ है J&K में, बहुत ज़्यादा अच्छा उत्साह हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते हैं कैसा माहौल था, लेकिन सरकार ने बहुत अच्छे स्टेप लिए हैं बच्चों को जो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कि वो गलत कामों में ना जाएं और खेल की तरफ अपनी एनर्जी लाएं, अपनी एनर्जी गलत साइड में ना लेके जाएं. सो ये बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोटिवेट करके हर स्पोर्ट्स में, मतलब हर एक कोच अपनी अपनी गेम के लिए मोटिवेट करता है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडों में आएँ और अपना जो कीमती समय है वो स्पोर्ट्स में दें और उसके साथ अपनी स्टडी में दें और गलत कामों में ना जाएं. और इस समय हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट मोर देन 60 बच्चे हैं अभी, ये जो आते हैं शाम को और सुबह. अच्छा, तो किस तरह से प्रैक्टिस कितनी देर की करवाई जाती है और अभी रीसेंट क्या अचीवमेंट्स आपके कोर्ट की रही हैं? हमारी जो प्रैक्टिस है वो सुबह होती है जी 6 बजे से लेकर 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से 7:30 बजे तक. ये प्रैक्टिस का हमारा टाइमिंग है और प्रैक्टिस का जो शेड्यूल है वो सारा ऐसे मैं बरीकी में आपको नहीं बता सकता. जो हम काम करवाते हैं, क्या करवाते हैं, वो आपको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम हमारे बच्चों के अलग अलग दो ग्रुप बनाए होते हैं. बिगनर का ग्रुप अलग है, जो बच्चे सीनियर्स हैं और जिनको गेम आती है उनका ग्रुप अलग है. जो बच्चे बिगनर हैं हम उनको फंडामेंटल वगैरह सिखाते हैं, जो बच्चे अच्छे सीनियर हैं उनको हम एडवांस ड्रिलें वगैरह करवाते हैं. और हमारे जो स्पोर्ट्स का अचीवमेंट है यहाँ पर, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से STC का स्कीम चल रही है. हमारे STC में जो हैं वो 10 बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सारे के सारे अच्छे हैं, नेशनल खेले हुए हैं और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो नेशनल नहीं खेला. और हमारे जो डे बोर्डर बच्चे हैं जो हॉस्टल में नहीं है, उनमें से भी बहुत अच्छे बच्चे हैं जो नेशनल खेले हुए हैं और नेशनल खेलेंगे भी. और जो बिगनर आ भी रहे हैं, बहुत अच्छे टैलेंटेड बच्चे आ रहे हैं. जितना हमारे से हो रहा हम अपनी अच्छी कोशिश कर रहे हैं
भी ये अच्छे बने और अच्छे से खेलें और J&K के लिए J&K का नाम रोशन करें, J&K की भी नेशनल में प्लेस आनी चाहिए। सर एक और मेरा सवाल था, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को बास्केटबॉल में आगे बढ़ावा दिया जाए, तो क्या प्रोसीजर रहता है यहाँ पर एडमिशन का, किस तरह से? यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है जी, हमने जो अपने हिसाब से बास्केटबॉल में एडमिशन देने का क्राइटेरिया रखा है वो 10 साल एज रखी है हमने मिनिमम, क्योंकि हमारी जो बॉल है वो भी 600-700 ग्राम की होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं वो उतनी बॉल की जो मतलब जो जो उसका बॉल का प्रेशर होता है नहीं झेल सकेंगे, कहीं चोट ना लग जाए, हम छोटे बच्चों को अवॉइड ही करते हैं, हम मिनिमम एज 10 साल रखी हुई है। सो ये एज के हिसाब से हम बच्चों को एडमिशन देते हैं। जो बच्चे बाहर से आते हैं एडमिशन लेते हैं वो स्पोर्ट्स काउंसिल का फॉर्म भरते हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल में फ़ीस जमा करते हैं, साल की फ़ीस भी बहुत नॉमिनल है, तो बच्चों को कोई ऐसी जो यहाँ के पेरेंट्स को भी ऐसी दिक्कत नहीं की होती कि फ़ीस देने में कोई परेशानी हो, मतलब 1000 रुपये के नीचे नीचे एक साल की फ़ीस है। यह तो एक मैसेज जो आप लोगों को देना चाहेंगे, क्योंकि अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा ऐसे हैं जो ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ बच्चों को नहीं भेजते, उन्हें लगता है कि स्पोर्ट्स में जाएंगे तो बच्चे टाइम वेस्ट करेंगे, जिस तरह की मैंटेलिटी एक टिपिकल सी मैंटेलिटी अभी भी पेरेंट्स में है, उसको लेकर एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए स्पोर्ट्स ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स वाले बच्चे पढ़ते नहीं हैं, हेल्दी बॉडी हेल्दी माइंड, अगर आपकी बॉडी भी हेल्दी है और माइंड भी हेल्दी होगा, माइंड हेल्दी है तो आप अच्छी पढ़ाई भी करोगे। हम गेम में एक सेकंड में कितने तरह के डिसीजन लेते हैं जो कि आम आदमी नहीं ले सकता, क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन से गुजरते हैं फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमने बहुत सारी मूवमेंट करनी पड़ती है। सो इस तरह अगर हम फिट होंगे, हमारा माइंड सही होगा, हमारा हेल्दी माइंड, तो हम इसीलिए हम इतने अच्छे एक्शन और मूवमेंट कर सकते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, ये जो प्रथा है लोगों के बीच में कि स्पोर्ट्स खेलने के साथ पढ़ाई नहीं होती, वो गलत है। हमारे बच्चे 90% मार्क्स लेके आते हैं जो मेरे पास पढ़ते हैं। हमारा एक लड़का है जो अनिकेत, वो अभी BSc फर्स्ट ईयर में है, उसके 88% मार्क्स है। एक RN शर्मा है, उसके भी मोर देन 80% मार्क्स आए हैं, वो BSc में पढ़ रहे हैं, साइंस के सब्जेक्ट लेके पढ़ रहे हैं, BSc कर रहे हैं, यही साइंस कॉलेज में है, अच्छे स्टूडेंट है। ऐसा नहीं है, मैं सबको यही मैसेज दूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि पढ़ाई करेंगे खेलेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। आप जो आपका फालतू टाइम है, आपकी फालतू एनर्जी है, उसको स्पोर्ट्स में इनर्च करें, स्पोर्ट्स में यूज़ करें और बाद में रिलैक्स होकर अपना पढ़ाई करें और पढ़ाई भी फिर अच्छी होती है। चलिए, उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर बास्केटबॉल कोच, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें यहाँ पर हमें कही और बहुत अच्छा मैसेज भी पेरेंट्स और बच्चों को दिया। उन्होंने कहा कि जो अपनी फालतू एनर्जी होती है उसे स्पोर्ट में यूटिलाइज़ करें, ताकि आपकी जो बॉडी है वो फिट रहे, और जब बॉडी फिट रहेगी तो आपका माइंड भी फिट रहेगा और आप लाइफ में ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसी के साथ वीडियो जर्नलिस्ट दीपक यादव के साथ मुझे उपमा शर्मा को दीजिए इजाज़त, और ताज़ा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए स्टेट टाइम्स। नमस्कार।